रामगढ़ में विवाहिता की मौत से हड़कंप, ससुराल जनों पर दहेज की हत्या का आरोप, बेटी को लेने गया पिता खाली हाथ लौटा। 2 घंटे बाद मिली मौत की खबर, परिजनों ने बेटी के हत्या की जताई है आशंका। पीड़ित पिता धर्म सिंह ने सिंगराका पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। शादी में डिमांड पूरी करने के बाद भी मृतका को किया जा रहा था प्रताड़ित। मृतका ताराबाई से ससुरालजन किया करते थे मारपीट, फंदे से लटका मिला है मृतका का शव, जिसके बाद परिवार की ओर से आक्रोश जताया गया है। तो खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की, रामगढ़ से खबर है जहां विवाहिता की मौत का पूरा मामला है। ससुराल जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है और इसको लेकर एक पिता की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें पिता अपनी बेटी को लेने गया था लेकिन बेटी को उसके साथ नहीं भेजा गया और 2 घंटे के बाद उसकी मौत की खबर आई है। हालांकि मृतका का शव फंदे से लटका मिला है, जिसको लेकर अब पिता की ओर से तहरीर दी गई है। साथ ही ससुराल जनों पर हत्या का केस भी दर्ज कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की रामगढ़ से। आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गांव सिंगरा का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? सर मेरी बहन दहेज के लिए हत्या कर दी गई है। किन लोगों ने? खो के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बहन को जबरदस्ती एक पेड़ से बांध के हत्या कर दी गई है। पेड़ से जैसे किस चीज़ लटका के नहीं। शादी कब करी थी? 6 साल की हो गई। तो किस कारण से हत्या की है? दहेज के लिए करी। दहेज के लिए? जी सर। तो कितनी सिस्टर है आपकी? जो तीन तीन और वहाँ पर कितनी? दो है वहाँ पर। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ सर रिपोर्ट दर्ज करा दी। कार्रवाई इतनी हुई है कि जो हमारी डेड बॉडी यहाँ तक आई है, लेकिन बंदे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या कारण है जो बंदे गिरफ्तार नहीं हो रहे? जो है मुलजिम गिरफ्तार तो होना चाहिए। 100 नंबर फ़ोन करके हमने एप्लीकेशन लगाई, जो इतनी कार्रवाई हो गई नहीं, इतनी कार्रवाई शायद नहीं हो पाती।